प्यार करने वालों पर परिजनों की लगी बुरी नजर, प्रेमी की हत्या कर बुझाई अपने मन की प्यास। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये धुन तो आपने सुनी ही होगी जो प्रसिद्ध चलचित्र लैला और मजनू की है। प्रेमिका कहती रहती है कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने के लिए, लेकिन कोई पत्थर से मत मारो मेरे दीवाने को। लैला चिल्लाती रहती है लोग मजनू को पत्थर से मारते रहते हैं, लेकिन वहाँ तो अनजान लोग होते हैं जो पत्थर से पीटते हैं। फिर भी लैला के आग्रह पर लोग पत्थर से मारना छोड़ देते हैं। लेकिन जो कहानी रानीगंज थाना क्षेत्र में घटित हुई है वो लैला मजनू से भी बढ़कर है। यहाँ लैला रूपी आरती कुमारी उम्र लगभग 19 वर्ष अपने मजनू रूपी छोटू उम्र लगभग 22 वर्ष को मारने से रोकती रही, लेकिन खुद उसके पिता, उसके भाई और उसके बहनोई रूपी रक्षक ही भक्षक बनकर बेरहमी से मजनू को जी भर कर पीटते रहते हैं। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो बिजली का करंट लगाकर मजनू रूपी छोटू की निर्मम हत्या कर देते हैं। यहाँ तक कि जब छोटू दम तोड़ते वक्त पानी पानी चिल्लाता है तो उसे लैला का भाई पेशाब पिला देता है कि बेरहमी रूप से हत्या कर दी जाती है। मामला बिहार के अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसाही पंचायत के वार्ड 14 बरहुआ का है। हालांकि पुलिस इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए लड़की के पिता एवं भाई को गिरफ्तार कर चुकी है। पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि बिहार के अररिया जिले में प्रेमिका के सामने प्रेमी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर प्रेम कथा का दुखांत कर दिया गया है। हत्या प्रेमिका के परिजनों द्वारा की गई है। घटना के बाद प्रेमिका का काफी बुरा हाल है। पुलिस ने प्रेमिका के स्वजनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार अररिया में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को लड़की के स्वजनों ने हत्या कर दी। जैसे ही प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने मंगलवार की रात के अंधेरे में पहुंचा और अपनी प्रेमिका से छुपकर मिल रहा था कि पहले से तैयार लड़की के स्वजनों ने उस पर हमला बोल दिया, लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इसके बाद देखा कि उसकी सांस चल रही है और वो पानी पानी चिल्ला रहा है, तो लड़की के भाई ने लड़के को अपना पेशाब पिला दिया और लड़की के जीजा ने करंट लगाकर उसके प्रेमी छोटू को मार डाला। इस घटना में समाज को भी दोषी माना जा सकता है, क्योंकि देर रात से बुधवार के सुबह 7 बजे तक लड़के की पिटाई हो रही थी और घटना की सूचना थाने को किसी ने नहीं दी। यदि पुलिस को सूचना दी जाती तो शायद छोटू की जान बच सकती थी। अपनी प्रेमिका के घर आए भरगामा थाना क्षेत्र के रहरिया गांव निवासी उमेश यादव के पुत्र छोटू कुमार को लड़की के माता पिता, भाई तथा जीजा ने मिलकर जान से मार डाला। घटना के बाद लड़के छोटू के भी परिजन पहुंचकर हो हल्ला एवं हथियारों की पिटाई करने में लगे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज पाई, जहां प्रेमिका भी अपने प्रेमी के शव के साथ पोस्टमार्टम रूम तक साथ गई। लोगों ने बताया कि 2 साल से लड़की के घर उस युवक का आना जाना लगा रहता था। मंगलवार को युवक की हत्या करने की साजिश रची गई। हत्या की आशंका को देखते हुए लड़की ने अपने प्रेमी को फोन कर कहा कि तुम मेरे घर नहीं आना, तुम्हारी जान को खतरा है, सभी लोग तुम्हें जान से मारना चाह रहे हैं, इसलिए तुम घर से भाग जाओ, यहाँ भी नहीं आना। लेकिन युवक लड़की से मिलने पहुंच गया। उसे क्या पता था कि सच में उसे मार ही दिया जाएगा। इधर मामले को लेकर रानीगंज थाने में मृतक छोटू के पिता उमेश यादव के आवेदन पर 6 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में रानीगंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि पिता पुत्र सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, शेष बचे अभियुक्त को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसको निकाल के और मेरे भाई बहन की मेरी बहन आई, वो भी थे, सब लोग निकल करके इसको दूसरा रूम में बंद करते, हमको भी दूसरा रूम में। अब पता नहीं इसको कौन सी लेके मारे नहीं मारे, लेकिन दिखाई से तो देता है कि बिजली का झटका है। अच्छा। तो पता नहीं, हमको हम नहीं देखे इतना, हमको नहीं भी देखने दिया। फिर सुबह में सब आदमी बैठे गाँव समाज का, तो बोले कि ठीक है शादी करवा दीजिए, तो बोले ठीक है। वो क्या बोला मेरा बहनाई कि नहीं होने देंगे शादी, दोनों को काट के। क्या नाम है बहनाई का? भवन यादव, मधुवन का है। बोले नहीं देंगे होने शादी दोनों को का, हाँ बोले दोनों को काट के रखेंगे घर में, गाड़ देंगे। तो सब बोले कि नहीं नहीं करवा दीजिए, जाएगी चले जाएगी अपना, जो जिस जैसा था वैसा हो गया, जो होने का था हो गया। तो बोले कि नहीं नहीं देंगे होने, काटेंगे दोनों को, उसको मारिए, मार दीजिए। वही मारा है। आपका पिता का क्या नाम है? खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।